हवाय च मयो हवाय च नमः शिवाय च महेश्वराय च शंकराय च नमः आदि आदि। वो सात्विक वातावरण था, स्तुति में भाव भी भोर हो गए, आंखों से प्रेम के आंसू आए। शिव जी ने कहा प्रजेताओ तुम्हारा मंगल हो, और तुम्हारी ये घटना कथा जो सुनेगा सोचेगा समझेगा उनका भी मंगल होगा पुत्रों। इसलिए मैं प्रचेताओं की कथा कई जगहों पर कह चुका हूं, फिर भी नए नए लोग हैं फिर से सुने, और जिन्होंने सुनी है वे भी भले सुने। प्रचेताओं ने शिव जी की कृपा दृष्टि आकर मांगा कि प्रभु हमें भगवान विष्णु का दर्शन हो जाए, तो विष्णु मंत्र की आप दीक्षा दें ताकि हम भगवान विष्णु का दर्शन करें। वैष्णवी दीक्षा दी शिव जी ने मंत्र मंत्र का अर्थ समझाते हुए। ध्यान अवस्थित गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यान्तं विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। मुनीश्वर जिनका ध्यान करते हैं, जिनके नाभि से ब्रह्मादि निकले हैं, जो वक्त पड़ने पर प्रेमा अवतार मर्यादा अवतार कपिल अवतार धारण करके अपने सृष्टि के जीवों का मंगल माधुर्य करते हैं, भगवान के पास करने को है मंगल ही मंगल, अमंगल तो वो कर ही नहीं सकते। जैसे आप अपने शरीर का अमंगल कर ही नहीं सकते, थप्पड़ मार सकते लेकिन वो भी मच्छर भगाने के लिए, ये करते तो भी मंगल के लिए, कराटे लेते तो भी मंगल के लिए, सुबह हाजत जाते तो भी मंगल के लिए, खाते तो भी मंगल के लिए, शरीर का मंगल ही मंगल करते दिन रात आप। ऐसी कौन सी घड़ी है, ऐसा कौन सा आपका विचार है कि मैं ये काम दुख पाने के लिए करूं, अपना अमंगल करने के लिए करूं, ऐसा कोई दिन है? मैं दुखी होने के लिए काम करूं, ऐसा कभी सोचा गया? मेरा अमंगल हो अहित हो ऐसा सोचकर तुमने कभी कोई काम किया हो तो बताओ। तो जैसे तुम्हारे को इतना शरीर अपना आपा लगता है, उसी समष्टि के जो अधिष्ठाता है उनको सब कुछ अपना आपा लगता है। जैसे तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया, ऐसे ईश्वर के शरीर में तुम हम है। जय जय। तो विष्णुपदी की दीक्षा दी भगवान विष्णु, विष्णु स्तवन का पाठ और विष्णु भगवान का ध्यान करके शांत हो जाओ, संकल्प करो कि भगवान विष्णु साकार हो जाए। सप्ताहों दिनों की कतारें, सप्ताहों की कतारें, महीनों की कतारें बीती, संकल्प ने एकाग्रता पकड़ी, जोर पकड़ा, भगवान विष्णु प्रकट हुए। ये तो विष्णु है, लेकिन किसी देवता की तुम्हें उपासना कोई बता दे तो तुम्हारे मन में वो ताकत है कि देवता भी देवलोक में है अथवा नहीं भी है, लेकिन तुम्हारा मन उस देवता को प्रकट कर लेगा, उसे वरदान भी ले लेगा। जैसे स्वप्न में तुम देवता नहीं बना देते, ऐसे जागृत में बन जाए, ऐसी तुम्हारी मानसिक शक्तियां। भगवान विष्णु से वरदान मिला, विष्णु शिव जी के मंत्र से विष्णु प्रकट हुए, भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु अपनी चाह से जो भी मिलता है वो अपने से पृथक होता है, और अपने से पृथक जो होता है वो छूट जाता है। अब हमारी बचकानी बुद्धि है, बच्चा अपना हित किस में वो इतना नहीं जानता जितना माँ जानती, और बच्चे का अपना सामर्थ्य नहीं उस चीज को उस पद को पाने का जितना माँ का सामर्थ्य। तो आप तो माता पिता बंधु सखा है, हमारा जिसमें हित हो आप वही करिए। भगवान नारायण, नारायण प्रसन्न हुए, बोले मेरी कृपा से तुम्हें देव ऋषि नारद जी का सत्संग मिलेगा और ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलेगा। शिव जी मिले, शिव जी की कृपा से विष्णु जी मिले, और विष्णु की कृपा से तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलेगा।
और वो सत्संग आपको अभी मिल रहा है तो कृपा की आखिरी नहीं है तो किसको आखिरी मानोगे? पूर्णिमा का दिन, माघी पूर्णिमा नहीं, आप तो वो आ गए ना, माघ मास तो भगवान की कृपा की पराकाष्ठा है कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिले, और प्रकार की कृपा की अधिक पराकाष्ठा क्या है कि ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में रुचि हो जाए और कि ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में विश्रांति मिल जाए। फिर वो भगवान विष्णु आए, शिव जी आए, मैं इधर जाऊं, वो इधर आए, ये सारे झंझट छूट जाएंगे। लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति। आज सुबह में उसी शांति में, उस शांति का प्रसाद बांटते बांटते अभी 7 बजने वाले, लाखों लाखों लोगों के दिलों में शांति आई। जिनको शांति मिली हो, प्रसन्नता मिली हो, पवित्रता मिली हो, हाथ ऊपर करो। अशांतस्य कुतः सुखम्, अशांत आत्मा को सुख कहां और शांत आत्मा को दुख कहां? दुखद परिस्थितियां कोई पाप के फल से अथवा उन्नति के निमित्त भगवान दे दे, लेकिन जिसको शांति मिली है उसके लिए दुख और सुख सब साधन हो जाता है। और जी जागरण A to Z के द्वारा और वेबसाइट के द्वारा और दूसरे अपने साधनों के द्वारा विश्व के लोग एक कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। इसलिए मैं ध्यान के रस को भी छोड़कर तुम्हारे लिए बोलना चालू रखता हूं। आज सुबह के सत्र में चला था, एक होता है रित, दूसरा होता है सत्य। रित होता है जो एक 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 हिस्से से उसको पकड़ा जाए, और सत्य होता है जो पूरे का पूरा आ जाए। मकान को तो तुम चारों तरफ से देखने के लिए घूमोगे, लेकिन सूरज सीधा दिख जाता है, दाएं बाएं नहीं होना पड़ता है। ऐसे ही सत्य अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला हो, एक ही है। रित में अनुभव करने के साधन जैसे फूल का रंग आंख दिखाएगी, स्वाद जीभ चखाएगी, सुगंध नाक दिलाएगी, आवाज कान बताएंगे, कोमलता कठोरता त्वचा बताएंगे।